हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में मैं हूं पूजा यादव और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड को, कि क्या होती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, जानेंगे इसकी मीनिंग, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड और ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करती हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ इन तक, डिटेल में समझेंगे चीज़ों को, इसके क्या वैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के वो भी समझेंगे, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इसको यूज़ करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बट सर्विसेज आर रेंडर्ड, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट। बात करते हैं तो ऐसे बहुत ही बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि गुड्स को बनाने का काम नहीं करती है, सामान बनाती नहीं है, प्रोडक्ट को बनाते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, सर्विसेज रेंडर करते हैं, ठीक है, सिर्फ सुविधाएं प्रदान करती हैं। अब हम बात करते हैं इस पर, जो भी वो सर्विसेस देती है ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है जो भी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी सर्विसेज दे रही है उस पर जो भी लागत आती है, जो भी कॉस्ट आएगी, जो भी वो पैसे खर्च करते हैं सर्विसेज को देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन सभी कॉस्ट को किस में हम किस रूप में जानते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर सर्विस कॉस्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सुविधा लागत, सेवा लागत या फिर परिचालन लागत, ठीक है। परिचालन लागत में जो भी आप सर्विस चला रहे हैं, लोगों तक सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, उसको हम उस पर जो भी कॉस्ट आ रही है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर सर्विस कॉस्ट, ठीक है। सपोज आप बस की सेवा प्रदान कर रहे हैं लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी कॉस्ट आएगी वो किसके अंदर आएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू ICMA, ICMA का जो फुल फॉर्म है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ओके। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, परिचालन लागत वो लागत है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। किसकी लागत होती है, जो सुविधाएँ प्रदान करती है उसी लागत को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, परिचालन लागत इसको हिंदी में बोलते हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू CAS फर्स्ट की बात करें जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, उसमें जो इसकी डेफिनेशन दी गई है उसकी बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट रिफर टू कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग्स, अंडरटेकिंग मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो उपक्रम, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अंडरटेकिंग मीन्स होते हैं उपक्रम, ठीक है, ओके। विच डू नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट बट विच प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है, तो ये वो इस तरह की अंडरटेकिंग्स होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम तो नहीं करती हैं, प्रोडक्ट को बनाती नहीं हैं, लेकिन क्या करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लोगों को सुविधाएं प्रदान करती हैं, तो उनकी जो भी कॉस्ट आती है तो कहाँ पर हम उसको किस तरीके से जानते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट के तौर पर उसको हम जानते हैं। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड को यूज़ किया जाता है, ओके। सो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जैसा कि मैंने बताया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में वो सभी आ सकती हैं, बस, रेलवे, ट्रैम्स, ट्रक, एयर एंड मरीन्स ट्रांसपोर्ट, जिनके थ्रू लोगों को या फिर प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम किया जाता है, तो ये भी सर्विसेज देती हैं। किस तरह की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सप्लाई सर्विसेज की, जैसे कि गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, घर घर चीज़ों को पहुँचाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होती है, सप्लाई सर्विसेज में आती है, जैसे गैस की सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। वेलफेयर सर्विसेज की बात करें, वेलफेयर मीन्स कि जो लोगों की कल्याण के लिए होती हैं, लोगों की वेलफेयर के लिए होती है, उनकी हेल्प करने के लिए होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गई, हॉस्टल हो गए, कैंटीन, होटल, कैफेटेरिया एट्सेट्रा, ये इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं ये भी किस मेथड को फॉलो करती हैं अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के लिए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को, ठीक है। इंटरटेनमेंट की बात करें, इंटरटेनमेंट सर्विसेज की, जैसे कि सिनेमा हो गए, सर्कस एट्सेट्रा वगैरह, ये सभी भी इसी सेम मेथड को फॉलो कर सकते हैं। म्यूनिसिपल सर्विसेज की बात करें, जैसे कि रोड मेंटेनेंस है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये सब चीज़ें जब प्रोवाइड की जाती हैं तो इसमें भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड को फॉलो किया जाता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो उसमें होनी चाहिए और हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर अंडरटेकिंग बिजनेस जो है वो अपने यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड को फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो अंडरटेकिंग आर इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग सर्विसेज बाय यूनिक नेचर, तो जो एक अंडरटेकिंग है मीन जो भी उपक्रम है,
जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, संस्था है, उसको आप देख सकते हैं अगर उसकी जो भी सर्विसेज का नेचर कैसा है, वो किस तरह की सर्विस दे रहे हैं, क्या वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं, सप्लाईज की सर्विसेज दे रहे हैं, वेलफेयर सर्विसेज दे रहे हैं, इंटरटेनमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूनिक नेचर होना चाहिए सर्विसेज का। तो आप उसको एक बार आप जान सकते हैं कि अगर ये अंडरटेकिंग बिजनेस इस तरह की सर्विसेज में इंगेज हैं तो वो अपने यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को अपना रहे होंगे, उस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड को अकाउंटिंग के लिए। ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स। अगर हम बात करते हैं कैपिटल अमाउंट की, तो इस तरह का जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है, ये बहुत ज़्यादा ही पैसे की डिमांड रखता है। मीन्स बहुत ज़्यादा आपको बड़ा कैपिटल अमाउंट चाहिए। सपोज अगर आप ट्रांसपोर्ट सर्विस देना चाहते हैं, तो अगर आपको एक बस या ट्रक खरीदना है, रेलवे या एयर या मरीन, इस तरह के चीज़ों में पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है। बस खरीदने में, रेलवे वगैरह हो गया बनाने में, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बड़ा कैपिटल अमाउंट चाहिए आपको इस तरह के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ये चीज़ मैटर करती है, और ये एक इसकी क्या है, विशेषता है कि जो भी एसेट्स होती हैं उसमें बड़ा कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट होता ही है। ठीक है। द टोटल कॉस्ट हैज़ टू बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसमें जो कॉस्ट होती है वो दो तरह से डिवाइड कर दी जाती है सारी कॉस्ट को। एक होती है फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होते रहते हैं। जैसा मैंने आपको मशीन आवर रेट में बताया था कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, वैसे ही इसमें भी होता है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको क्लियर करूँगी क्या फिक्स्ड होती हैं और क्या वेरिएबल होती हैं। ओके। एंड लास्ट पॉइंट की बात करें, लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू मीट आउट द डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डेली बेसिस पे आप जिस पैसे को आप यूज़ करते हैं, मतलब जो भी डेली खर्चे होते हैं उन डेली खर्चों को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा फिर पैसे नहीं लगते। जैसे कि आपने एक बार बस खरीद ली, ठीक है, तो बस में तो एक बार बड़ा अमाउंट लगाया आपने और उसको ख़रीद लिया। अब डेली बेसिस पर सर्विसेज देनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या खर्चे आ सकते हैं, वो उसकी हो सकता है कि आपको बार बार उसकी सर्विस करवानी पड़े, या फिर पेट्रोल डीजल का खर्चा आ जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। तो वहाँ पर डेली बेसिस पर खर्चे कम हो जाते हैं, तो पैसे वहाँ पर वर्किंग कैपिटल अमाउंट कम लगती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के। तो अगर एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग है, एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की बिजनेस कर रहा है, तो ये कुछ एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको देख करके आप बता सकते हैं कि वो किस तरह की सर्विसेज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और किन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए। ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से रिलेटेड। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छे लगते तो लाइक ज़रूर करें, मुझे वहीं से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, या फिर उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप आसानी से उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।